महाराष्ट्र में अपनी हनक और अकड़ दिखाने के लिए एनडीए सरकार ने बीजेपी के 12 विधायकों को पूरे एक साल के लिए असंवैधानिक तरीके से निलंबित कर दिया था। अब इस एक तरफा कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और कहा कि ये कदम निष्कासन से भी बदतर और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति रवि कुमार की खंडपीठ ने विधानसभा द्वारा विधायकों के निलंबन के निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत असंवैधानिक बताया। बेंच ने कहा कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा इस विवाद को सुलझाकर इस संकट से बचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को याद दिलाया कि 12 निर्वाचन क्षेत्रों को इतने लंबे समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता है और इनको प्रतिनिधित्व का अधिकार है। पीठ ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की मिसाल पेश करने से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि आज ये 12 है, कल 120 हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम के तर्क को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वह एक विधानसभा द्वारा लगाए गए दंड की मात्रा की जांच नहीं कर सकती है। इसके बाद सुंदरम ने राज्य के निर्देश प्राप्त करने के लिए पीठ से कुछ समय देने का अनुरोध किया। इसके बाद सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी गई। सी आर्यमा सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया जबकि निलंबित भाजपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने तर्क प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार ने 5 जुलाई 2021 को भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हुआ था। उस दौरान भाजपा के इन विधायकों पर महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन सभापति भास्कर जाधव के खिलाफ कथित तौर पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर ये एक्शन लिया गया था। महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उन्हें संदेह है कि सदन में संख्या कम करने के लिए एनडीए सरकार ने ये कदम उठाया है। आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार ने घटना से एक कहानी बनाई और हमारे 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। हमारे विधायकों ने स्पीकर को गाली नहीं दी, कुछ गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन सभी विधायकों की ओर से हमारे वरिष्ठ सदस्य आशीष शेलार ने सभापति भास्कर जाधव से माफी मांगी थी। बाद में सरकार हमारे विधायकों को निलंबित करने के लिए योजना लेकर आई, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जब सभापति भास्कर जाधव ने भाजपा विधायकों के बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया तो उन्होंने ओबीसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा किया था। भाजपा ने लोक सेवा आयोग की लंबित परीक्षाओं और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की थी, लेकिन सभापति ने अनुरोध को ठुकरा दिया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।